ट्रेडिशनल बनाते हैं, तो जो है आपको नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, आपका अपने चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं स्पेशल आपको दिखाने वाला हूँ हालोवीन, जो अमेरिका का एक फेस्टिवल है, लोग कैसे मनाते हैं। तो मेरे साथ आए आज मेरे फ्रेंड डेरिक, ये स्पेशल आए हैं मुझे बताने के लिए कि भाई हम फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं। और इन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये पम्पकिन खरीद लाओ, जिसको हम कद्दू बोलते हैं, तो इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने वाले हैं। तो हम दोनों कंपटीशन भी करेंगे कि किसका अच्छा डिज़ाइन होएगा। तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों ऐसे फेस्टिवल क्यों इंजॉय करते हैं ये लोग और क्या क्या करते हैं इसमें, इससे आप लोगों को भी थोड़ा नॉलेज होएगा और मेरे को भी। सो हाय डेरिक, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाउ इज इट गोइंग सन्टी? आई एम प्रीटी गुड मैन, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। दिस इज अ पम्पकिन। या इट्स कॉल्ड कद्दू इन इंडिया। कद्दू? ओके, कद्दू 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 पद्दू कद्दू पद्दू कद्दू पद्दू। ओके दोस्तों, सो इट्स टू हैवी, आई वांट टू जस्ट पुट इट हियर। Halloween is of course mainly for us just a celebration, just to have fun, but it does have a history. It goes back hundreds of years, even before America was founded. So, you know, but it's basically a Christian holiday. Mm-hmm. And it's a time when the churches in England, Scotland, anywhere where they were Christian, tried to give reverence or pay respects to their dead relatives or dead important people in their lives. Okay, that's, you know, interesting. Yeah. Of course, you know, over the hundreds of years, it has changed, and especially when America was discovered and became the USA, it's a lot different now, even from when I was a young boy. Okay. So, and it's always changing, but it's basically just a time to get out, be with friends, have fun, and be safe about it. Okay, that's interesting. तो दोस्तों आपने सुना, मैं थोड़ा आपको हिंदी में इसका शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे काफी पुराना फेस्टिवल है और पहले ये लोग कैसे इंजॉय करते थे कि जैसे कोई अगर मर जाता था कोई, तो उसको याद करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता था। बट जैसे कुछ सालों से, काफी साल हो गए, तो चेंज होते होते आजकल कैसे लोग इंजॉय करते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबके घरों के बाहर जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं और कहते हैं ट्रीट दे दो, ट्रीट, किड्स वांट ट्रिक ऑर ट्रीट। या सो वो मांगते हैं, मतलब जैसे टॉफी दे दो या कुछ भी, मतलब अच्छा सा गिफ्ट वगैरह उनको दे दो। तो अगर आप उनको गिफ्ट वगैरह नहीं देते तो वो आपको पनिश करते हैं, मतलब जैसे कोई आपका कूड़ादान बाहर रखा हुआ है उसको गिरा जाएंगे, या आपके जो भी चीजें बाहर है उनको उल्ट फुल्ट कर जाएंगे। तो ऐसे आपको परेशान कर देंगे वो लोग अगर आप उनको कुछ नहीं देंगे। और जैसे बड़े लोग क्या होते हैं, वो अपना घर डेकोरेट करते हैं जैसे भूतों के जैसे, पूरा भूत ही, जैसे पूरा घर के बाहर देखोगे तो भूत के जैसे पूरा डेकोरेट करते हैं, बहुत सुंदर लगता है, वो डरावना भी लगता है सुंदर भी लगता है। और ये पम्पकिन खरीद के लाते हैं जो ये रखे हुए हैं, और इन पे डिज़ाइन वगैरह करते हैं, ये इनका ट्रेडिशनल जो है फेस्टिवल में लोग करते हैं ऐसे, और मतलब लाइटें वगैरह लगाते हैं, खाना पीना, गेट टुगेदर वगैरह चीज़ें करते हैं, तो ये सब करते हैं। सो अब हमारा जो मेन है, आपको मैंने बता दिया कैसे है। So are you ready for the competition? Who will do the best design on pumpkin? Yeah, I'm going to do the best. तो दोस्तों हमारे पास ये काफी सारे डिजाइन है, तो इनमें से हमने डिजाइन चुन लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा डिजाइन कौन सा है, जो मैं बनाने वाला हूँ मैं ये वाला बनाने वाला हूँ, और जो डेरिक ने चूज किया है डेरिक ये वाला बनाने वाला है। तो देखते हैं कौन अच्छा बेटर बनाता है ये। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों पहले इसके बीज निकालने पड़ते हैं, इस पे कुछ भी डिजाइन बनाने से पहले। जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ मैंने उस पे लाइंस डाल दी हैं। बना दिए हमने इसका डिजाइन, तो ये है जो ये मेरा डिजाइन है,
और ये जो है डेरी का डिजाइन है और ये जो इन्होंने एक बनाया है ये इन्होंने ही डिजाइन बनाया है, मतलब इसको काउंट मत करना, ये इन्होंने बनाया जैसे ये अपना ट्रेडिशनल बनाते हैं। तो जो है आपको इसको जिताना है, ठीक है? सो डू यू थिंक यू गोइंग टू विन? ऑफ कोर्स। दोस्तों इसने लाइटें भी लगाई हुई है, मैं आपको एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि कैसे लगते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जब मैंने लाइट बंद कर दी है तो कितना अच्छा लग रहा है ये। और अभी इन तीनों को मैं अपने घर के बाहर रखने वाला हूँ, दरवाजे के बाहर, तो लोग आते जाते लोग सब देखेंगे कि क्या डिजाइन बनाया हुआ है। यही है मतलब फेस्टिवल का, लोग बनाते हैं इनका डिजाइन और घर के बाहर रखते हैं लाइट लगा के। तो अभी मैंने लाइट लगा के देख लिया है कितना मस्त लग रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए आपको किसका अच्छा लगा। प्लीज गाइज डू कमेंट्स हु गोइंग टू विन। आई नो दैट इज बेस्ट, Sunty का बेस्ट है, राइट? Yes. People not going to see that your sad face. Sad face पहले ही बना रहे। दोस्तों आपको उसी को ही जिताना है जो अच्छा बनाया, ठीक है? इन दोनों में से number one, number two. Okay, number two. Guys got it. Subscribe. Smash it. Yeah. और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर पार्टी में। Thank you so much, Derek. You come to my house and I really appreciate for that. I'm glad you asked. Thanks. Yeah. America ki jabardast party, Halloween night party. अभी आप मेरे पीछे देखोगे सबने कुछ अलग अलग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, कोई भूत बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो आज मैं भी कुछ स्पेशल बना हुआ हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बना हुआ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बना हुआ हूँ क्रिश, ये सब कुछ ना कुछ बने हुए हैं भाई। अपन लोग तो देसी हैं तो भाई देसी वाला करेंगे। तो भाई मैं क्रिश वाला है, ढूंढा है मैंने कहीं से और मैं बन गया हूँ क्रिश। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ पीछे, जबरदस्त मजा आने वाला है। तो दोस्तों साथ में बने रहो, वीडियो का पूरा मजा लेते हैं।
दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं अभी तक कि आपने कौन सा पहना हुआ है, आप क्या बने हुए हो, तो मैंने बोला ये इंडियन सुपर हीरो है क्रिश। तो लोगों को मैंने काफ़ी बताया, इसलिए मैं स्पेशल पहन के आया हूँ कि मैं इंडिया से हूँ तो थोड़ा सा इंडियन कुछ पहनना चाहिए। अभी इसका यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा आया हुआ था, नीचे मैंने वो काट दिया क्योंकि वो चुभ रहा था फेस पे। जबरदस्त है।
पर जो मेरे पीछे एक बार है, इस बार में है ना कंपटीशन चल रहा है, जितने लोग भी कॉस्ट्यूम पहन के आए हुए हैं, जो बेस्ट कॉस्ट्यूम पहनेगा उसको जो है 3.5 लाख रुपए यानी कि $5,000 का उसको प्राइज मिलेगा। तो मतलब आप सोच लो ये तो उसको मतलब 3.5 लाख रुपए इंडिया के बनते हैं। मैं जो है मतलब जो भी है ₹70 का लगा रहा हूँ $1 आज का रेट में, तो मतलब देखो कितना बड़ा प्राइस है। मैं इसमें जाने नहीं वाला क्योंकि मैंने खाली मास्क पहना हुआ है और आपने देखा लोगों ने वो क्या क्या चीज़ें पहनी हुई हैं यहाँ पे। बनाता रहता हूँ, तो दोस्तों मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।